दोस्तों, भविष्य में चीन की बर्बादी ही भारत की सफलता बनेगी। अब चीन के रियल एस्टेट मार्केट की दो सबसे बड़ी कंपनियां, जिन्होंने चीन के बैंकों से 500 बिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया हुआ था, इन दोनों कंपनीज पर ही अब ताला लग चुका है। और जिन बैंकों ने इन कंपनियों को इतना बड़ा कर्जा दिया था, उन बैंकों की भी मानो कमर टूट चुकी है। ऐसे में कई विदेशी निवेशक, जिन्होंने चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में भारी निवेश किया था, वो अब अपना बचा कुचा पैसा निकालकर भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत का रियल एस्टेट सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से ही भारत का रियल एस्टेट सेक्टर दौड़ता रहा तो साल 2030 तक ये 6 गुना बढ़ जाएगा। अच्छी बात ये है कि जिस भी देश का रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत होता है, उस देश की पूरी इकोनॉमी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको सीमेंट और सरिये से लेकर लेबर और इंटीरियर तक हर काम की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप कई अलग अलग सेक्टर्स को पैसा पहुंचाओगे।